वो जो NTR की है देवरा नहीं, साउथ की मूवी कैसा एक्शन वगैरह बढ़िया रहता है उनका, ये बॉलीवुड वाले पूरा कॉपी करते इधर का उधर का। अक्षय कुमार का अच्छा लगता है, मतलब पहले से देखते हैं। बड़े मियां छोटे मियां, बड़े मियां छोटे मियां। सावरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम पीपल ऑफ इंडिया, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और अभी आप लोगों को मालूम है दो मूवी आ रही है, NTR की देवरा मूवी आ रही है और बड़े मियां छोटे मियां आ रही है, टाइगर श्रॉफ की और अक्षय कुमार की। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम डेट पे होने वाली, सिर्फ 5 डेज का गैप है, अप्रैल में दोनों मूवी आ रही है। तो मैं चलो एक पब्लिक रिएक्शन लेते हैं कि कौन सी मूवी के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड है, बिकॉज एक साउथ की मतलब बहुत बड़ी मूवी आ रही है और एक ये बॉलीवुड की मूवी है जो ये भी बहुत बड़ी मूवी है, अली आवाज डायरेक्टर भी है। तो मतलब लेते हैं ना पब्लिक रिएक्शन लेते, पूछते लोगों से कि कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड है, कौन सी मूवी देखना लोगों की प्रायोरिटी रहेगी। तो मैं पब्लिक में आ गया हूँ और यहाँ पे काउंटिंग भी देख रहा हूँ कौन से मूवी के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड, आपको वीडियो के एंड तक का मालूम हो जाएगा। एंड वीडियो के एंड में मैं बताता हूँ कि मैं कौन सी मूवी देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मेरे लिए कौन सी मूवी देखना प्रायोरिटी रहेगी, सब मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलो पहला वीडियो देखते, आइए देखते हैं, मजा आएगा। बड़ी मियाँ छोटी मियाँ मूवी आ रही है टाइगर श्रॉफ की और अक्षय कुमार की, और जूनियर NTR की देवरा मूवी आ रही है साउथ में, और दोनों सेम डेट पे रिलीज होने वाली है। तो आप कौन से मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ, अक्षय कुमार वाली या देवरा जूनियर NTR की? अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ या अक्षय कुमार? मतलब बड़ी मियाँ छोटी मियाँ क्यों, बताओ ना जरा क्यों? नहीं, उनका एक्टिंग वगैरह या जो भी रहता है अच्छा रहता है, एक्टिंग वगैरह। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ, ओके, दोनों एक साथ है तो अच्छा रहेगा। अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ का डांसिंग वगैरह अच्छा लगता है या ऑब्वियसली ज्यादा है वो। और देवरा जूनियर NTR की है तो वो देखने, वो कौन सा बोला आपने? देवरा मूवी का नाम देवरा है, जूनियर NTR, हाँ साउथ का। नहीं मैं साउथ का मूवी ज्यादा नहीं देखती हूँ। ओके ओके, तो बड़ी मियां छोटी मियां, बड़े मियां दैट्स। आप लोग कौन सी मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? जूनियर NTR, जूनियर NTR, देवरा ओके। बताओ ना क्यों, मतलब क्यों? अभी बॉलीवुड वाला क्या हो रहा सीन, कुछ नया नहीं दिखा रहे। ओके ओके, मजा नहीं आ रहा है। अब अगर अपना बॉलीवुड का क्या हो रहा है, क्या उसमें बना रहे हो पर पिछला रिपीट ले रहे, वो चोज थोड़ा वो बेसिक उठा रहे, सिमिलर वाला। हाँ सिमिलर वाला, तो उसमें कुछ इतना क्या बोलते हो, एक्सपेक्टेशन नहीं ना अपने। राइट राइट, फुलफुल होना, कुछ कभी पिक्चर देख रहे तो मजा आना दमदार, कुछ कभी नया। तुमको क्यों NTR की मूवी? नहीं साउथ की मूवी कैसा एक्शन वगैरह बढ़िया रहता है उनका, ये बॉलीवुड वाले पूरा कॉपी करते इधर का उधर का। साउथ का मूवी आता है फिर बॉलीवुड का मूवी आता है तो उसमें मजा नहीं आता देखने। बॉलीवुड का अच्छा मूवी है मगर उसमें कुछ हो साइड बाई जो OTT पे रिलीज होते क्या वो अच्छे है। ओके, OTT पे क्वालिटी अच्छी दे रही बॉलीवुड, मगर मेन जो थिएटर पे आना चाहिए उसमें ज्यादा क्वालिटी नहीं आ रही। टाइगर सर, बड़ी मियाँ छोटे मियाँ हो गए आप सेम, क्यों 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 बताओ जरा। फेवरेट अच्छा, टाइगर सर फेवरेट है इसके लिए। हाँ। ओके, छोटी बच्ची हो क्या? और NTR को जानते हो कौन है? RRR मूवी देखे थे? हाँ। उसमें जो लाइन के साथ जंप करता है ना, जो शेर को ऐसा पकड़ के घिसता है। हाँ। समझे कि नहीं? समझे नहीं, समझे तू? समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। साउथ का हीरो है, देवरा मूवी करके आ रहे, बट बड़े मियाँ छोटी मियाँ तुम लोग उसको ज्यादा, टाइगर की मूवी इसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो ना? बट जी अक्षय कुमार, अक्षय कुमार जी, यस। ओके, अक्षय कुमार ही। ओके, तो बड़े मियाँ छोटी मियाँ बेसिक। जी यस यस यस। तो बताओ क्यों अक्षय कुमार की मूवी क्यों? अक्षय कुमार मतलब खिलाड़ी, मतलब उसको फिल्म का खिलाड़ी माना जाता है उसको, और वो बेस्ट एक्टर मेरे को तो लगता है, मतलब बेस्ट एक्टर है वो। थैंक्स, लव यू। यस, तो इसके लिए उसकी बड़े मियाँ छोटी मियाँ जी, हां वही देखोगे। यस, हां। और देवरा क्यों नहीं जूनियर NTR के? मतलब नहीं, लेकिन मेरे को मतलब अक्षय कुमार इज बेस्ट मेरे को। अच्छा, अक्षय कुमार के आगे फिर जूनियर नहीं कुछ नहीं। यस यस। ओके, और देवरा मूवी आ रही है NTR की, आप लोग जानते हो NTR कौन है? वो लायन वाला। हाँ, जूनियर NTR। तो ये दोनों की मूवी आ रही है, आप लोग कौन से मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, देवरा NTR वाली या अक्षय कुमार वाली, बड़ी मियां छोटी मियां? मुझे लग रहा है वो जो NTR की है। NTR की देवरा हो गया। NTR ऑसम। ओके, शर्मा गई, हिंदुस्तानी लड़कियां कितनी अच्छी होती है। फाइनली बताओ आपको NTR क्यों अच्छी लगती है? मुझे वो, मैंने RRR देखी थी उसमें वो था इसलिए। हाँ, तब से ही फेमस है वो, मतलब आपका फेवरेट है? हाँ, सेम। मास्क कॉपी कर रहे हो आप लोग रोल नंबर के साथ में। बट बड़े मियाँ छोटे मियाँ अक्षय कुमार वाली या NTR? बड़े मियाँ छोटे मियाँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ। ऑसम, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, अक्षय कुमार, अक्षय कुमार। आप थोड़ा बताओ ना क्यों, मतलब आपने जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ बोले तो
अक्षय कुमार एक्टर मानून अक्षय कुमार टाइगर भी है उसमें एक्चुअली। हाँ टाइगर है पर अक्षय कुमार के लिए देखो मोहन अक्षय कुमार का जैसे देखेगा मेन तो okay. टाइगर का तो है लेकिन एक्टिंग तो अक्षय कुमार का है ना। इमोशनल डैमेज टाइगर एक्शन कर देगा और एनटीआर का उतना नहीं देखते क्या आप लोग? नहीं साउथ इन नहीं साउथ नहीं नहीं इतना अब नहीं अभी मोस्टली देखा तो देखा। हां मोस्टली जो सबसे वायरल होते लाइक पुष्पा उस पर बाहुबली हो गया। हां बाहुबली अभी के अक्षय कुमार एक्शन मूवीज उसके अच्छे लगते हैं। आई एम अ बिग बॉलीवुड गर्ल सो आई लव बॉलीवुड ओनली। नहीं मेरी माता और समथिंग यू आपको बॉलीवुड तो देवरा मूवी आप लोग नहीं देख रहे हो क्या एनटीआर की? नहीं अच्छी होगी तो देख लेंगे बट फर्स्ट प्रायोरिटी बड़े मियां छोटे मियां रहेगी राइट? यस सेम ओके। तो आप कौन से मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? जूनियर एनटीआर देवरा। मैं देखो जूनियर एनटीआर का पता नहीं था अक्षय कुमार का पता है मैं उसका फैन भी हूं तो मैं तो अक्षय कुमार के साथ जा रहा हूं। तो बड़े मियां छोटे मियां देवरा। हां देवरा तुमको बताओ क्यों एनटीआर की मूवी क्यों अच्छी लगती है? अरे मुझे एक्शन उसका अच्छा लगता है एनटीआर का। वैसे तो मैं साउथ ही ज्यादा देखता हूं बॉलीवुड बहुत कम। हां तो फिर तो अच्छा है क्योंकि देवरा साउथ मूवी है बड़े मियां छोटे मियां बॉलीवुड है। मैं साउथ ही देखता हूं बॉलीवुड बहुत कम। ओके तो तुम देवरा देखने के लिए एक्साइटेड हो बड़े मियां छोटे मियां? तुमको अक्षय कुमार लाइक क्यों मतलब उसमें तो टाइगर श्रॉफ भी है बड़े मियां छोटे मियां? हां बट मैं रियल इसके लिए जा रहा हूं क्योंकि उसमें अक्षय कुमार है। मैं टाइगर श्रॉफ के लिए नहीं जा रहा हूं। अगर हम करें तो करें क्या बोले तो बोले क्या क्योंकि अक्षय कुमार एक रहता है अच्छा लगता है मेरे को वो। हाँ खिलाड़ी भाई है ना। आप कौन से मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? अक्षय कुमार वाली? अक्षय कुमार अक्षय कुमार का अच्छा लगता है मतलब पहले से देखते हैं तो अच्छा लगता है कॉमेडी वगैरह होता है तो इसीलिए अच्छा लगता है। उसमें टाइगर श्रॉफ भी है तो और अच्छा हो गया। वो तो अच्छा। ओके और एनटीआर को जानते हो कि नहीं? एनटीआर गार्डन नहीं आरआरआर मूवी देखे त्रिपल आर नहीं देखे तो मतलब ऑब्वियसली फिर तो तुम देखोगे बॉलीवुड फिर है बड़े मियां छोटे मियां? मैं अपना टाइगर श्रॉफ वाला बड़ी मियां छोटे मियां बट मजा। और एनटीआर का उतना नहीं गया? एनटीआर का भी देखा था वैसे वो दूसरा जो आया था आर आर आर। ओके बट अब भी बड़े मियां छोटे मियां? हां अभी उनका परफेक्ट। अक्षय कुमार क्योंकि अक्षय कुमार के लाइक फैन ऑफ अक्षय कुमार। ओके यू गाइस आर फैन ऑफ अक्षय कुमार। एंड व्हाट अबाउट टाइगर इज आल्सो देयर बट टाइगर भी साथ में है उनके साथ में अक्षय कुमार। या बट ऑल लव्स टू गो टाइगर अक्षय कुमार तो क्या अक्षय कुमार की कॉमेडी ज्यादा पसंद है एक्शन? एक्शन एक्शन बोले तो बहुत अच्छी तरह से करते हो। ओके और एनटीआर को जानते हो? हाँ एनटीआर तो बहुत जानता हूं। हां देखो ना आरआरआर आरआरआर तो उसकी मूवी भी आ रही है तो उतना नहीं एक्साइटेड हो गया उसको? नहीं उसके तो मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा ना। अच्छा ओके कुमार वाला अक्षय कुमार ये टाइगर श्रॉफ। हां उसमें अच्छा वो भी टाइगर श्रॉफ भी उसमें ही है दोनों सेम ही मूवी में है। सेमत मूवी में है उसकी फैन है इसके लिए। अच्छा हो गया। हां तो उसके मसल भी सब एक नंबर है इसके लिए उसकी फैन मतलब फिर तो फिल्म मतलब तुम तीनों बड़े मियां छोटे मियां देखने जा रहे हो क्योंकि उसमें अक्षय कुमार भी है टाइगर भी है ना ऑलमोस्ट सेम डेट पे होने वाली। आप कौन से मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? अक्षय कुमार की। ओके अक्षय कुमार क्यों हमारा फेवरेट है वो। यस मेरा भी फेवरेट है। ओके और देवरा नहीं गया एनटीआर? इतना ज्यादा नहीं। आप लोग बड़े मियां छोटे मियां के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो? यस। ओके तो बड़े मियां छोटे मियां अक्षय कुमार वाला या देवरा जूनियर एनटीआर की? जूनियर एनटीआर भाई बड़े मियां छोटे मियां बड़े मियां छोटे मियां। तुमको बताओ क्यों मतलब एनटीआर की क्यों मूवी? उनका एक आरआर मूवी आया था उसमें उनका वो बहुत डेंजरस देखा वो था। सेम सेम ट्रिपल आर तो मैंने भी देखा लेकिन भाई मैं उनका बचपन से फैन हुआ हूं ना इसलिए तो अक्षय कुमार उनका तो वही मूवी एकदम भारी है वही देख के बड़ा हुआ है वो मूवी। चलिए एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ज़्यादातर बॉलीवुड के अक्षय कुमार को वगैरह टाइगर श्रॉफ के लिए बड़े मियां छोटे मियां फिर ओके मतलब पसंद है ये पसंद है। और जूनियर एनटीआर उतना नहीं जानतेगा? नहीं नहीं जानते हो कौन है? नहीं नहीं जानते भी नहीं। ओके आज आप लोगों ने वीडियो देख लिया आप लोगों ने भी देख लिया कौन सी मूवी के लिए लोग ज़्यादा एक्साइटेड है बड़े मियां छोटे मियां या एनटीआर की देवरा। एंड अगर मैं बताऊं कि कौन सा तो या मैं बड़े मियां छोटे मियां बोलूंगा मैं ये नहीं बोल रहा कि यार देवरा मूवी अच्छी नहीं रहेगी या फिर मैं नहीं देखूंगा ऐसा कुछ नहीं है मैं वो भी देख लूंगा बट ज़्यादा
एक्साइटमेंट की अगर बात है तो मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए हूँ, बिकॉज जो फर्स्ट पार्ट आया था गोविंदा का और अमिताभ बच्चन का, वो बहुत बड़ी हिट हुई थी। उसके सॉन्ग्स आज भी अपन सुनते हैं किसी डिस्को में जाए, वो सब है जो उसका डायलॉग है कि कितना नचा रहा है बे, वो सब जो आज तक वायरल है और आज भी अपन देख के बहुत एंटरटेन होते। और उसका ये पार्ट टू है, और पार्ट टू में भी अपने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ है। मतलब अगर एक्शन की बात करें तो अपने टाइगर भाई दे देंगे, और कॉमेडी की बात करें तो अपने अक्षय भाई है, अक्षय बाजी है अंदर। तो मेरे को लगता है सब कुछ इसमें मिल जाएगा। और सेकेंडली मतलब मजा आएगा, आई डोंट नो मतलब क्या, मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बट मेरे को लगता है यार मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कौन से मूवी के लिए एक्साइटेड हो आप लोग कमेंट करके बताओ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ या फिर देवरा मूवी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।